तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहाँ से नहीं होती जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है लिल को जो वैंग जियांग टर्मिनल की कार पार्किंग एरिया में चल रहा होता है। तभी अचानक से एक कार लिन के एकदम बहुत पास से ही लिन को क्रॉस करती है, जिससे लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी उस कार के अंदर से बैठा हुआ पर्सन कहता है कि वैसे तुम चल रहे हो तो ठीक से चलो और मेरी कार को टच करने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद लिन कहता है कि वैसे आखिर ये कौन सी बात हुई और तुम अपनी कार को इस तरह से ले जा रही हो, आखिर मैं रोड पर इस तरीके से इतनी आराम से चल क्यों नहीं सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन उस कार वाले पर्सन से कहता है कि वैसे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कार को बिल्कुल भी टच नहीं किया, वह बस मेरे पास से पास हो गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस कार के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम सियू कियान होता है, जो लिन से कहती है कि वैसे ये बेहतर है तुमने इस कार को टच नहीं किया, आखिरकार तुम इस कार को टच करते तो ये कार गंदी हो जाती और वैसे भी तुम्हें पता है यह कार 1 मिलियन की है, तो तुम इतने पैसे तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो तुम अगली बार से बिल्कुल संभल कर रहना, याद रहे। जिसके बाद लिन उस लड़की से कहता है ये तो बस AN-8 है और वैसे भी अगर मैंने इसके आगे अपनी पगानी को चलाया तो मुझे यकीन है कि तुम्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और तुम इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और लिन से कहती है कि वैसे ये सपना काफ़ी अच्छा था लेकिन तुम्हें इस तरीके से दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, तुम जैसे भिखारी के पास पगानी, आखिर तुम सोच क्या रहे हो खुद को। जिसके बाद लिन उस लड़की की बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि वैसे आखिरकार आजकल के लोग इतने ज़्यादा अजीब क्यों होने लगे हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जोंघाई टर्मिनल का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, वो अभी ऑफिस एरिया का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लोग एक दूसरे के सामने एक राइवल की तरह खड़े होते हैं, वैसे उन दोनों के पास एक एक पर्सन और है, इसका मतलब 4। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन कहता है क्यूआन से कि आखिरकार आप यहाँ पर अभी क्यों आई हैं और इसके अलावा यहाँ पर अभी तक मिस्टर लिन क्यों नहीं आए। जिसके बाद क्यूआन उनसे कहती है कि अभी अभी मैं पार्किंग में एक संदिग्ध आदमी से मिली और इसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्यूयान वहाँ पर खड़ी हुई दूसरे ग्रुप वाली लड़की को कहती है कि वैसे क्यूयान आखिरकार तुम अभी तक यहीं पर हो, मुझे लगा था कि तुम बार बार हमसे हारने के बाद थोड़ी सी तुम में शर्म आ गई होगी लेकिन तुम अभी भी मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की का नाम, वह एक डिजाइनर डायरेक्टर है जिसका नाम ग्यू ये है, जो क्यूयान से कहती है तुम जैसे फॉरेनर्स को अपनी बकवास बंद करने लेनी चाहिए, वैसे भी हम तुमसे बेहतर हैं, इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम उस चाइनीज मार्केट की नेशनल परफेक्शन का यूज करने वाली हो जो काफी ज्यादा ही बेकार रहेगा, हम तुमसे हर तरीके से इस चीज में बेहतर हैं। जिसके बाद क्यूयान ग्यूयान से कहती है कि ठीक है हम इस बारे में देख लेंगे। तभी उसके पास खड़ा हुआ पर्सन कहता है कि क्या आप मुझे देखने की बात कर रही हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गेट ओपन होता है और वहां पर एक पर्सन उस गेट को खोलते हुए कहता है कि मिस्टर लिन प्लीज आप यहां पर आइए। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन अंदर जैसे ही एंटर करता है क्यूयान उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि क्या आखिरकार तुम और यहाँ पर। इसके बाद लिन वहाँ पर खड़े हुए उस लड़के से कहता है कि आखिरकार मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ये लड़की खड़ी हुई है क्या ये तुम्हारी कंपनी के अंदर कोई काम करती है या तुम्हारी कंपनी से किसी तरीके से जुड़ी हुई है। जिसके बाद वह पर्सन कहता है हाँ क्यूयान हमारी कंपनी से ही है और वह हमारी कंपनी की एक सीनियर डिजाइनर है, वह हमारे सर्किल में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, वह काफ़ी बेहतर भी है। जिसके बाद लिन अपनी चेयर पर बैठते हुए उनसे कहता है क्या सच में वह पहले से ही इतनी ज़्यादा फेमस है, अगर ये बात सच है तो पहले तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन की इस बात को सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्यूयान लिन के पास जाती है और कहती है मिस्टर लिन अभी वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी मेरी गलती थी, मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक और चांस दें, मैं पक्का इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन एक सीरियस फेस बनाते हुए उनसे कहता है कि वैसे एक और चांस ऐसा कोई भी तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम जैसे एटीट्यूड वाले पर्सन को यहाँ से सीधा चले जाना
आना चाहिए। यहाँ पर एटीट्यूड वाले पर्सन को अपने टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों लिन की बात को सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। क्यों यान तो लिन की बात को समझ रही होती है लेकिन उस लड़के को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं और वह लड़का अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, आखिर हमारी गलती कहाँ पे थी। जिसके बाद लिन कहता है कि ऑल राइट, अब वहाँ से ये लोग जा चुके हैं तो अब यहाँ पर बस तुम ही बचे हुए हो, तो मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। और इसके अलावा हम बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लिन की इस बात को सुनकर वह तीनों काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप अभी देखिए हमारे प्लान्स को। जिसके बाद वह लड़की बताने लगती है लिन को प्लान के बारे में और कहती है कि अगर आप वांग जियांग टर्मिनल को बनाना चाहते हैं जो असलियत में दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल होने वाला है, तो आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही फोकस होना होगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी आसानी से हो पाएगा। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन हमारे पास पहले से ही कुछ अच्छे डिजाइंस हैं और वैसे भी हमें इसे बनाने के लिए एक काफ़ी बड़ी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ पर बैठकर उस लड़की से कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर लगा और मैं इसके लिए 200 मिलियंस तुम्हें दूंगा, तो आखिरकार मुझे दिखाओ कि तुम और कितना आगे तक जा सकती हो। जिसके बाद वह लड़की लिन की इस बात को सुनकर अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार उसने 2 मिलियन का ऑफ़र किया, ये तो बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मिस्टर लिन इतने ज़्यादा भी अमीर हो सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ लिन से कहती है कि बस आप बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, मैं बाकी चीज़ें संभाल लूँगी। वैसे भी मुझे यकीन है कि ये टर्मिनल दुनिया के टॉप 5 में से एक नहीं होगा, ये उनसे भी ऊपर होगा। जिसके बाद लिन उस लड़की से कहता है तो ठीक है, मैं आपको इसके लिए 800 मिलियन दूंगा। इसका मतलब कि अगर आप अपनी बात पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको वैंग जियांग टर्मिनल को लीड करने के लिए इस इंडस्ट्री को 10 साल तक संभालना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की और उसके साथ आए हुए वह दोनों पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि लिन ने 800 मिलियन को ऑफ़र किया होता है उनके आगे, जो सच में इतना ज़्यादा है कि वह तीनों उसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते हैं अपने मन के अंदर। जिसके बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ लिन से कहती है कि वैसे अगर ये बात सच है, अगर आप 800 मिलियन तक आराम से आ सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि वैंग जियांग टर्मिनल आराम से 10 साल के लिए लीड कर सकता है इन सभी चीज़ों के ऊपर, और मुझे यकीन है कि ये ज़रूर होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने हाथ को टेबल पर रखता है और फिर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तो ठीक है, अब यह डील पूरी तरीके से तय रही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जाओ जल्दी से इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करो, अगर तुम इसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर करती हो तो मैं इसके लिए 200 मिलियन एडवांटेज के रूप में तुम्हें और दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त वह दीवार पर लगी हुई पेंटिंग्स को भी देख रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आती है, तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि हेलो मिस्टर लिन, मैं यू लिन हूँ। जिसके बाद एक और पर्सन लिन से उसी फ़ोन में कहता है कि वैसे मैं सन फ्यू यू हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, मैं बस आपको एक्वायर्ड करने आया हूँ लोग एक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है इस वक्त। जिसके बाद लिन उनसे कहता है तो ठीक है, मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा, मैं कल 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर लिन स्कूल के अंदर आया होता है और सभी को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। जिसके बाद सुगी लिन से कहती है गुस्से में कि आखिरकार तुम आज इतनी जल्दी में क्यों हो, और वैसे भी तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए अपनी क्लास के लिए जो अभी शुरू होने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने हाथ में किताब को पकड़ता है और सुगी उसे कहता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। सुगी यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुगी लिन से गुस्से में कहती हैं कि तुम्हें याद रहे कि अगर स्कूल के रूल के हिसाब से अगर तुम्हारा अटेंडेंस रेट पूरी तरीके से 85% के नीचे चला गया तो याद रहे तुम्हारा बोनस पूरी तरीके से काट लिया जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिसके बाद लिन सुगी से कहता है कि ये तो बस छोटी सी लाइन है, तो सुगी कहती हैं कि आखिरकार तुम किस लाइन की बात कर रहे हो। जिसके बाद लिन सुगी से कहता है कि वैसे लाइन से मेरा मतलब था कि बस मेरे बोनस में ही कटौती हो रही है, लेकिन मुझे तो पूरी सैलरी ही नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या मुझे क्लास लेने की भी ज़रूरत है।
मुझे कोई क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास सुगी गुस्से में लिन से कहती हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सैलरी लेते हो या बोनस, या उन दोनों को ही नहीं लेते हो, या तुम भिखारियों के तरीके यहाँ बस पड़े रहते हो। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारा शेड्यूल क्लास के अंदर मिक्स कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें क्लास को लेने तो जाना ही होगा। तो जल्दी से जाओ और जाकर सभी क्लास को अटेम्प्ट करो। लिन इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर कहता है सुगी से कि आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी जाकर उन सभी क्लास को अटेम्प्ट करता हूँ। जिसके बाद वह कहता है ली जिंग बैंग को कि वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है। तो ली जिंग बैंग कहते हैं कि आखिरकार तुम ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो। जिसके बाद वह कहते हैं लिन से कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ से थर्ड फ्लोर पर जाओ, तुम्हें वहाँ पर अपनी क्लास आराम से मिल जाएगी, बस थोड़ा सा ढूंढना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन थर्ड फ्लोर पर आया होता है और वहाँ पर दो लड़कियाँ लिन के पास आती हैं और कहती हैं कि हेलो टीचर आप और यहाँ पर। जिसके बाद लिन उन सभी से कहता है कि वैसे तुम लोग यहाँ पर इस वक्त कर क्या रही हो। जिसके बाद वह लड़की लिन से कहती है कि वैसे टीचर आपके हाथ में ये टेक्स्ट बुक, वैसे आप क्या हमारी क्लास के अंदर आ रहे हैं। जिसके बाद इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है।